पूर्णिया के बीकोठी थाना के मौजम पट्टी में ट्रिपल मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस मामले पर जांच के बाद कुख्यात बुच्चन यादव समेत चार को गिरफ्तार किया है। ये जो मौजम पट्टी में उस दिन कुछ व्यक्तियों के द्वारा फायरिंग करके ट्रिपल मर्डर कारित किया गया था, जिससे पूरे एरिया में दहशतगर्दी का एक माहौल क्रिएट किया गया था, उसको पूर्णिया पुलिस के द्वारा सीरियसली लेते हुए उसको एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें निरंतर इनकी एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा रहा था। उसी क्रम में इनकी एक्टिविटी मॉनिटर करते हुए पुलिस इनको फॉलो करते हुए जानकारी प्राप्त हुई कि ये लोग पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट में पूर्णिया पुलिस की एक विशेष टीम गई थी, जहाँ पे कुछ दिनों से वहाँ पे कैंप करके इनकी एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा रहा था और लोकल पुलिस से भी कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन सीख किया गया। तो उसके बाद जो है इन लोग को कुछ बिहार पश्चिम बंगाल से लेकर के आया गया है। आप देख सकते हैं भूचन यादव और उसका लड़का जो शबनम यादव है, और उसके अलावा शर्मानंद यादव और विमल चौधरी, इनमें से भूचन यादव का बड़ा लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। लगभग 20 से ज़्यादा कांडों में वो नामित रहा है। इसी प्रकार से शर्मानंद यादव भी खगड़िया जिले में भी इसका काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। और उसके अलावा ये लोग निश्चित रूप से उस दिन घटना के दिन जो है इस इतनी संगीन घटना को कारित करवाया। गौरतलब है कि 23 मार्च को मौजम पट्टी में बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर तीन लोगों की हत्या कर दी थी। जानकारी के मुताबिक दो गुटों के बीच वर्चस्व कायम करने को लेकर ही भिड़ंत हुई थी। पूर्णिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।